बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशो आबाद होंगे। अल्लाह सब पे अपना फजलो करम जो है वो बनाए रखे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जो बहन भाई मेरी वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो उनको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो मरी की है और ये मरी बुरबिन के जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साने मरी के बाद देखें जी, जैसे आपको मैंने माल रोड की वीडियो दिखाई कि माल रोड पे देखें कैसी वीरानी छाई हुई है, वैसी ही वीरानी जो है वो पीसी बुरबन पे भी छा गई है। पीसी बुरबन भी जो है वो वीरानी का शिकार हो चुका है। देखें यहाँ पे जो है तिल धरने की जगह नहीं मिलती, पार्किंग में आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती। तो आज देखें यहाँ पे पार्किंग और सारा एरिया जो है बिल्कुल वीरान पड़ा है। और यहाँ पे जो आपको गाड़ियाँ दो तीन नज़र आएंगी, ये भी वहाँ के स्टाफ की गाड़ियाँ हैं। तो जो है यहाँ पे जो है आपको रूम नहीं मिलता, तो आज जो है आपको पीसी में जो है 10,000 में भी रूम मिलेगा, क्योंकि पूरा पीसी जो है वो खाली पड़ा है। सिर्फ 3 रूम्स उनके जो है लगे हुए हैं, वो भी कुछ जो है अपने काम से आए हुए हैं लोग, जो गवर्नमेंट मुलाज़म हैं वो अपने काम से आए हुए हैं, तो उन्होंने वो जो है वो रूम लिए हुए हैं। तो बाकी फैमिलीज़ बिल्कुल भी नहीं हैं। तो हम वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये वीडियो जो है ना ज़रूर शेयर करूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि पीसी बुरबन की इस वक्त क्या हालत है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है, कितनी खूबसूरत बर्फ़बारी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो देखने आने वाला कोई भी नहीं है। जो रौनक मेला इंसानों से है वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ये 4-5 गाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं भी यही हैं। तो बस जी ये भी वीरान है। तो आप जो है मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सारा मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।